याद है 2017 के पहले दो एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील थे और दो आंशिक रूप से क्रियाशील थे, लेकिन आज 9 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के पूरी तरह क्रियाशील है और 12 पर कार्य हो रहा है। हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग हर कमिश्नरी स्तर पर एक एयरपोर्ट अवश्य होगा और लोगों के आवागमन को और सहज सरल बनाने के लिए राज्य प्रधानमंत्री जी की मंशा है। उड़ान योजना ने इस दिशा में जो क्रांति की है उसका सर्वाधिक लाभ लेने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश है और आज उसी का परिणाम है कि नई नई वायु सेवाएं न केवल मांग हो रही है बल्कि उसके अनुरूप उन सेवाओं को जोड़ते हुए भी आज जो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में नागर विमानन मंत्रालय ने पूरे देश के अंदर लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर के कनेक्टिविटी को उतना ही आसान और सरल बनाने का कार्य किया है, आज उसका लाभ उत्तर प्रदेश भी ले रहा है और कानपुर भी उसी लाभ को लेते हुए आज इस प्रक्रिया के साथ इस नए सिविल टर्मिनल के साथ जुड़ करके इसका आनंद भी ले रहा है। जो कानपुर में बहुत प्रतीक्षित, बहुत लंबे समय से मांग जो उठी थी कि एयरपोर्ट का विस्तृतिकरण होना चाहिए, एयरपोर्ट आधुनिक होना चाहिए, आज वो एयरपोर्ट आधुनिकता का और विस्तृतिकरण का योगी आदित्यनाथ जी के करकमलों से आज जनता को समर्पित किया जा रहा है। तो आज जो उत्तर प्रदेश में स्थिति है कि एक तरफ जमीन पर ट्रिपल इंजन की सरकार है, दूसरी ओर आसमान में हवाई जहाजों का जाल है और अब शुरू होता है उत्तम प्रदेश का काल है। आज ये आगाज इस मंच से हम करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कायाकल्प इस प्रदेश का हुआ है और खास करके नागर विमानन क्षेत्र। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की स्थिति तो जिस कानपुर में पूर्व सरकार के समय में 2014 में हर हफ्ते केवल 4 विमानों का आवागमन होता था, आज के दिवस पर 600% बढ़ोतरी के आधार पर 28 विमानों का आवागमन होता है। जहां आगरा में 2014 में केवल 10 विमानों प्रति हफ्ता का आवागमन होता था, आज 240% वृद्धि के आधार पर 34 विमानों का आवागमन होता है। और गोरखपुर में जहां 2013-14 में केवल 12 विमान प्रति हफ्ते के आवागमन होती थी, आज 800% बढ़ के 106 विमानों का आवागमन प्रति हफ्ते में होती है। गोरखपुर में पहले बहुत छोटा हवाई अड्डा, अब उससे इसके अंदर जो जगह है तकरीबन 20 गुना ज़्यादा है। पहले A320 तक उतर सकता था, अब A321 उतर रहा है यहाँ पर, क्योंकि बड़ा जहाज है, पहले छोटे जहाज के लिए था। तो अब एक अच्छा हवाई अड्डा कानपुर को मिला है। कानपुर क्योंकि उद्योग नगरी है, यहाँ से लोगों को जाने में सुविधा होगी। यहाँ से हम ये भी देखेंगे कि जो कार्गो जाता है धीरे धीरे उसके लिए भी बढ़ोतरी होगी, और तकरीबन AAI ने इसके ऊपर 150 करोड़ के करीब खर्च किए। पूरी सेंट्रली एयर कंडीशन बिल्डिंग है, बड़ी अच्छी, आपने देखी होगी कि अच्छे तरीके से बनाई गई है। इसमें आगे के लिए बढ़ने के लिए जगह है, तो ये नहीं है कि इसके बाद हमको कुछ और जगह लेनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे यात्री बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे देखकर इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। कानपुर उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण नगर है, इंडस्ट्रियल औद्योगिक नगर रहा है, टेक्सटाइल के लिए फेमस है, लेदर आइटम्स के लिए फेमस है, और उत्तर प्रदेश एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए बहुत फेमस है। कानपुर शहर IIT कानपुर है, यहाँ पर टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है। अब कनेक्टिविटी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि वो जहाँ भी उनका बेस है वहाँ से एक ही दिन में या कुछ ही समय में
जाके आ सकें। ट्रेवलर्स भी फास्ट जाना चाहते हैं, बिजनेसमैन भी फास्ट जाना चाहते हैं, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो कानपुर का जो पुराना एयरपोर्ट था छोटा पड़ने लगा था, ये एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, पुराने एयरपोर्ट से 20 गुना बड़ा है और विस्तार की इसमें संभावना है।